समाजवादी पार्टी के नेता अबू हाशिम आजमी ने शुक्रवार को आजमगढ़ में एक शादी समारोह में शामिल होते हुए कश्मीर फाइल्स को झूठा बताते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का मकसद मुसलमानों और हिंदुओं के बीच नफरत पैदा करना है। उन्होंने कश्मीर फाइल्स को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि अगर कश्मीर फाइल्स दिखाना है तो गुजरात फाइल्स भी दिखाइए। वकोल अबू आजमी आज की स्थिति में विकास पर नहीं बल्कि धर्म के नाम पर वोट दिए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में सपा के प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए सपा नेता अबू हाशिम आजमी ने कहा कि विधानसभा के चुनाव में सपा को कामयाबी मिली है, इस बार सीटें बढ़ी हैं। आजमगढ़ संसदीय सीट से इस्तीफा दिए जाने के सवाल पर सपा नेता अबू हाशिम आजमी ने कहा कि अखिलेश यादव का जिले से बहुत लगाव है, आजमगढ़ में विकास हुआ है, यही कारण है कि जिलों की सभी 10 सीटों पर सपा चुनाव जीती है। चुनाव में सक्रियता के सवाल पर सपा नेता ने कहा कि पूरे देश में एक मैसेज चल रहा है कि मुसलमान अछूत हैं। अगर चुनावी सभाओं में मुसलमान साथ खड़ी है तो मेजोरिटी को वोट नहीं मिलेगा, इसी कारण चुनाव में प्रचार से दूर रहा। अबू आजमी ने कहा कि चुनाव से भले दूर रहा पर टेलीफोन से लगातार काम करता रहा, यदि चुनाव प्रचार करता तो जबरदस्ती भाजपा पोलराइज करने का प्रयास करती। उन्होंने अहमदाबाद के बम ब्लास्ट में कोर्ट द्वारा फैसले पर सवाल करते हुए कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब 7-38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, इलेक्शन आएगा जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। भारतवर्ष के अंदर जो गंगा जमुनी तहजीब थी, पहले जो हम लोग गांव में रहते थे तो हिंदू औरतें बेचारी अपने बच्चों को लेकर मस्जिद पर खड़ी रहती थी कि ज़रा पानी फूंक दो ताकि आप नमाज़ पढ़ के निकले हो तो हमारे बच्चा अच्छा हो जाएगा। आज ये नफरत किया, अगर ये कश्मीर फाइल ला रहे हैं तो मेरे पास कश्मीर फाइल की RTI है, एक साहब ने RTI निकाला है और RTI किसने निकाला, गवर्नमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको लिख के दिया है कि पिछले 30 सालों में जब मिलिटेंसी जब से शुरू हुई है उस वक्त से आज तक 89 पंडित लोग मारे गए हैं और 1724 पूरे मिलिटेंसी में लोग मारे गए हैं, उसमें 89 यानी 1724 का 5% पंडित भाई हमारे मारे गए और बकिया सब मुसलमान और थोड़े सिख मारे गए और वहाँ से पलायन करने वाले सिर्फ 12,000 मुसलमान हैं और 1.5 से 2 लाख पंडित लोग जो वहाँ मर रहे हैं मिलिटेंसी में जो भाग नहीं रहे हैं, आप उनकी बातें नहीं कर रहे। आप कश्मीर फाइल ला करके एक नकली और सरकार किसकी थी, अगर वहाँ कुछ हुआ भी है तो सरकार तो आपकी थी। 2014 में कहा था नरेंद्र मोदी, मैं आऊँगा तो सारे पंडितों को बसाऊँगा, हम क्या कर रहे थे, हमारे पंडित भाई अपने घर वापस जाएं। उन्होंने कहा RTI जिसने निकाला है कि मैं पिछले 7 महीनों से जवाब मांग रहा हूँ कि सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कितने पंडितों को बसाया, 7 महीने से जवाब नहीं आ रहा है, ये क्या है ये। अच्छा फाइल अगर खोलना है, ये इस फिल्म में तो एक्टर ने काम किया है, कोई वो नहीं कि जो लोग उसमें वो हैं भुक्तभोगी हैं, वो भुक्तभोगी लोगों की वीडियो मेरे पास है गुजरात की। एक आदमी कह रहा है आप जैसा कोई मीडिया वाला गया उसको और उसको स्टिंग ऑपरेशन कर लिया, उसने कहा कि साहब मैंने 100 मुसलमानों को जलाया कुएं में डाल के और पेट्रोल पंप से पेट्रोल मांगा तो वो भी फ्री दे दिया पेट्रोल मुसलमानों को मारने जलाने के लिए, और मुसलमान चिल्लाता रहा, बच्चे औरतें चिल्लाती रही और मैं हंसता रहा। वो जेल गया, बाबू बजरंगी नाम उसका।